नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोरियोलिस फोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरियोलिस फोर्स, सबसे पहले हम लोग कोरियोलिस फोर्स की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी उसमें क्या है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ द विंड्स आर अनेबल टू क्रॉस द आइसोबार्स। ठीक है, बकायदा बताऊंगा कि आइसोबार्स मतलब क्या होता है, चिंता मत करिए। आइसोबार्स बट लेकिन आर डिफ्लेक्टेड, बट दे आर डिफ्लेक्टेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब समझिए, रोटेशन, अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से जो विंड है वो आइसोबार्स को क्रॉस नहीं कर पा रही है। अब समझते हैं आइसोबार्स मतलब क्या होता है। ये आइसोबार्स केमिस्ट्री वाला नहीं, ज्योग्राफी वाला है। इसमें क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग टू प्लेसेस विच हैव सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये वो लाइन होती है जो दो प्लेस को जोड़े और उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो सेम हो। ठीक है ना, तो क्रॉस द आइसोबार्स मतलब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एरियाज को ये क्रॉस नहीं कर पाती हैं, बट दे आर डिफ्लेक्टेड इन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज कॉल्ड क्या? कोरियोलिस फोर्स। इसे कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। एक सिंपल भाषा में मोटा मोटा पकड़ के चलेंगे तो कोरियोलिस फोर्स इतना बड़ा मत समझिए, ये लिखने भर का है। समझना है तो बस इतना जान लीजिए, एक स्टार बना देता हूं उसमें, आप जान जाना सही से। इट सिंपली गिव्स द डायरेक्शन टू द विंड। वो सिर्फ डायरेक्शन देती है, कोरियोलिस फोर्स सिर्फ डायरेक्शन देती है विंड्स को, या तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की इस साइड जाओ या सदर्न हेमिस्फीयर की इस साइड जाओ। ठीक है ना, अब बताता हूँ सदर्न हेमिस्फीयर में किस साइड जा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्राइपॉड गिर गया था, इससे थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो मैं कह रहा था इट सिंपली गिव्स द डायरेक्शन टू द विंड। मोटा मोटा अगर आप पकड़ चलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ का काम होता है डायरेक्शन देना विंड को। अब हम समझते हैं फिगर से, ये आपका अर्थ है, ये इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, इसमें ये डायरेक्शन देगी लेफ्ट में और ये होगी राइट में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट डायरेक्शन में देगी
सपोर्ट करेगा विंड को जाने में डायरेक्शन का, और राइट में, और ये राइट डायरेक्शन देगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी एफ मतलब हमारा कोरिओलिस फोर्स, टू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब टू वी क्या है और साइन थीटा क्या है, ये है कोरिओलिस फोर्स, टू वी है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड, साइन थीटा है एंगल ऑफ एक्सिस, एक्सेस हमारा कितनी की डिग्री में है, एंगल एक्सेस का है, ठीक है ना, साइन थीटा। अब हम आते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी इसकी डिस्कवरी की थी कोरिओलिस, कोरिओलिस इसका नाम था जिस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी इन 1835 एडी, और ये बिलोंग करते थे फ्रांस से, ठीक है। देख लीजिए, किसी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जैसे आपने देखा मैंने आखिरी में डिस्कवरी के बारे में बता दिया, तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगले में हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरे और जैसे जेट स्ट्रीम हो गई, टाइप्स ऑफ रेनफॉल हो गया, इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे।